बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी ड्रग्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ये रेड कलर का बटन बिल्कुल फ्री है, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें, इस तरह आपको तमाम न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सीरम जो है वो हम घर में भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बनता है और घर में बना हुआ हाइजीन होता है, हमें पता है कि हमने इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं किया होता। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी स्किन टाइप जो है ऑयली है, और मैं आपके साथ जो सीरम शेयर करूँगी ये ऑयली स्किन के लिए है। तमाम जो ऑयल्स हैं आपको दराज डॉट पी के से मिल जाएंगे, मैंने भी दराज से ही परचेज किए हैं, बहुत ज़्यादा इजी होता है ऑर्डर करना। फेस सीरम जो है हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे फेस के जो सेल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करता है, स्मूथ करता है, और हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करता है। सीरम के यूज़ से जो हमारा फेस है वो ब्राइटन अप हो जाता है। सीरम जो है वो फाइन लाइन्स और रिंकल्स को ख़त्म करता है और एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है। रोज़ ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये रेडनेस को ख़त्म करता है, एक्जेमा को ख़त्म करता है और एक्नी स्कार्स को ख़त्म करता है। स्किन को जो है ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को भी ये ख़त्म करता है। टी ट्री ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टेरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एक्नी को, एक्नी स्कार्स को ख़त्म करता है और स्किन को स्मूथ बनाता है और क्लियर करता है। टी ट्री ऑयल को जो है हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ किया जाता है, किसी भी ऑयल में मिक्स करके इसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जाता क्योंकि ये कंसनट्रेटेड होता है। लेवेंडर ऑयल में भी एंटी बैक्टेरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये एक्नी को ख़त्म करता है, एक्नी स्कार्स को ख़त्म करता है और हमारी स्किन को लाइटन करता है और रिंकल्स को ख़त्म करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है। इसको अरोमाथेरेपी में भी यूज़ किया जाता है, ये वेलनेस और काल्मनेस जो हमारी स्किन को प्रोवाइड करता है। पम्पकिन ऑयल यानी कि कद्दू का तेल जो है विटामिन ई और ओमेगा 3 का इनरिच सोर्स होता है, यानी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये स्किन को सूथ करता है, रेडनेस को ख़त्म करता है, एक्नी स्कार्स, एक्नी को ख़त्म करता है और एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। ऑरेंज ऑयल जो है विटामिन सी का इनरिच सोर्स होता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, ये एक्नी स्कार्स को ख़त्म करता है, एक्नी को ख़त्म करता है, स्किन को लाइटन करता है, स्किन को स्मूथ करता है, ये एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है, ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है जिससे स्किन जो है वो रेडिएंट हो जाती है। विटामिन ई कैप्सूल्स हमारी स्किन को नरिश करते हैं, यूथफुल लुक देते हैं, एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर भी काम करते हैं और डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म करते हैं, न्यू स्किन को रीजनरेट करते हैं जिससे ब्राउन स्पॉट्स और एक्नी स्कार्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सीरम को जो है हमेशा आपने ग्लास बॉटल में स्टोर करना है, ग्लास बॉटल्स आपको आसानी से दराज डॉट पी के से मिल जाएंगी। सीरम को आपने हमेशा कोबाल्ट ग्लास या एम्बर ग्लास में प्रिजर्व करना है, आपने कभी भी इसको ट्रांसपेरेंट ग्लास में स्टोर नहीं करना, इस तरह आपके ऑयल की एक्सपायरी डेट एक्सेलरेट हो जाएगी। मेरी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है और मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद ये सीरम बनाया है और मैंने इसको पर्सनल यूज़ किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँ। ऑयली स्किन एंड एक्नी प्रोन स्किन वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि फेस पर कौन सा सीरम लगाया जाए जिससे उनकी स्किन जो है वो मज़ीद ऑयली ना हो और मज़ीद उन्हें एक्नी इशू ना हो। फेशियल सीरम बनाने के लिए आपने किसी भी साफ़ कंटेनर में 2 टेबलस्पून रोज़ ऑयल जो है वो ऐड करना है, मेक श्योर कि आप तमाम ऑयल को ऐड करने से पहले अच्छी तरह शेक कर लें। मैंने जो तमाम फेशियल ऑयल हैं वो दराज डॉट पी के से ऑर्डर किए हैं, आप ऑर्डर करने से पहले तमाम सेलर के जो रिव्यूज़ हैं उस पेज पे जो बायर्स ने दिए हुए वो लाजमी पढ़ लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह की चीज़ें सेल आउट करते हैं। 2 टेबलस्पून रोज़ ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून लिवेंडर ऑयल ऐड कर रही हूँ। टेबल स्पून रोज़ ऑयल, 2 टेबलस्पून लिवेंडर ऑयल ऐड करने के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून पम्पकिन ऑयल जो है वो ऐड कर रही हूँ, मैंने पम्पकिन ऑयल भी दराज डॉट पी के से ही लिया है। 2 टेबलस्पून रोज़ ऑयल, 2 टेबलस्पून लिवेंडर ऑयल, 2 टेबलस्पून पम्पकिन ऑयल के बाद मैं इसमें 2 टेबलस्पून ऑरेंज ऑयल जो है वो ऐड कर रही हूँ, ये अरोमा का ऑरेंज ऑयल है, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल ओरिजिनल ऑरेंजेस जैसी है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल, जो मेरे पास टी ट्री ऑयल है ये हमानी का है, ये कंसनट्रेटेड है, इसको डायरेक्टली कभी भी अपने एक्नी पर, अपने फेस पर अप्लाई मत करें, इसे डाइल्यूट फॉर्म में यूज़ किया जाता है, 5 ड्रॉप्स इज़ इनफ।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 कैप्सूल एवियॉन के, एवियॉन 400 मिलीग्राम आपको मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा, 5 रुपीज़ का ईच कैप्सूल है। इन तमाम ऑयल को मिक्स करने के बाद ड्रॉपर बॉटल में आपने डाल लेना है। मैंने पहले बताया ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। इस फेशियल ऑयल को दिन में 2 दफ़ा मॉर्निंग में और नाइट में आपने अपने फेस पर अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, और जेंटली अपने फेस पर इसका मसाज करना है। सर्कुलर मोशन में आपने इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है ताकि तमाम फेशियल ऑयल्स की गुडनेस जो है वो आपके फेशियल सेल्स जो है वो अब्जॉर्ब कर लें। मॉर्निंग में आपने अपना फेस वॉश करने के बाद जेंटली इस फेशियल ऑयल से जो है वो अपने फेस को क्लेंस करना है। आपने इसे 15 से 20 मिनट फेस पर लगा रहने देना है, देन आपने इसको वॉश आउट करना है। नाइट में भी आपने अपना फेस वॉश करने के बाद इसे अपने फेस पर जेंटली मसाज करना है, देन आपने अपने फेस को 15 से 20 मिनट के बाद वॉश आउट कर लेना है। ऑयली स्किन एंड एक्नी प्रॉन स्किन वालों ने कभी भी इसको ओवरनाइट अपने फेस पर नहीं लगा रहने देना, वरना आपकी स्किन पर जो है वो एक्नी इशू हो जाएगा। ड्राई स्किन वाले जो है इसको ओवरनाइट अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। तमाम फेशियल ऑयल्स जो आप परचेज़ करेंगे उन पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट जो है वो मेंशन्ड होगी। आप इसे मैक्सिमम जो है 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। इन तमाम ऑयल्स को आपने हमेशा ग्लास बॉटल में ही स्टोर करना है। मैंने जो है ये फेशियल सीरम बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाया है और मुझे इसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो है तमाम ऑयल के बेनिफिट्स जो हैं गूगल से सर्च आउट किए थे, उसके बाद रिसर्च करके मैंने ये तमाम ऑयल दराज से परचेज़ किए और इनका जो है ये सीरम बनाया, और मैं रेगुलर इसे अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। हमेशा इसको अप्लाई करने से पहले शेक करना है ताकि तमाम ऑयल जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, तो मैं इसलिए फेशियल्स ऑयल जो है उनके बारे में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती हूँ कि मैं वो सीरम यूज़ करूँ जिससे मुझे एक्नी ना हो जाए, जिससे मेरी स्किन मज़ीद ऑयली ना हो जाए। इसके रेगुलर यूज़ से मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है, जो डलनेस थी फेस पे वो ख़त्म हो रही है। ये फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, रिंकल्स को ख़त्म करता है, एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, यूथफुल स्किन जो है वो देता है और रीजनरेट करता है स्किन को, तो हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है और रिफ़्रेश हो जाती है। आपने इसको रात को अप्लाई करके फेस पर नहीं सोना, क्योंकि आपके पोर्स अगर क्लॉग हो जाएंगे तो उससे आपको एक्नी इशू हो जाएगा। आपने इसको अप्लाई करने के बाद कभी भी नाइट क्रीम नहीं लगानी है, क्योंकि इस तरह आपके पोर अगर क्लॉग हो गए तो नाइट क्रीम के जो बेनिफिट्स हैं वो आपके फेशियल सेल्स तक नहीं पहुँच सकेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप नाइट क्रीम लगाने के बाद इसे अपने फेस पर लगा सकते हैं ताकि आपकी नाइट क्रीम जो है वो सील हो जाए। सीरम को लगा के आपने आग के पास नहीं जाना, आपने किचन में नहीं जाना और ना ही कभी धूप में बैठ के सीरम लगाना है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव सीरम है, आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जब आप ऑयल परचेज़ कर लोगे तो ये आपके लंबे अरसे तक चलेंगे। ये आपको स्लो रिज़ल्ट देता है, लेकिन आप इसे अब रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और यूथफुल हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ऑयली स्किन वाले भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई और रिसर्च करके बनाई ताकि तमाम लोग इसे फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।